से गुजारे तूने ये आखिरी तेरे मतलब क्या 15 डेज? बताऊँ, ऐसा लग रहा है 15 महीनों से इधर ही बैठ रहा हूँ मैं। सो मेरे लैपटॉप का स्टोरेज इज फुल, देन मेरी 1 TB की सिगरेट की हार्ड ड्राइव इज ऑलमोस्ट फुल। अभी इसमें आई थिंक सिर्फ 30 to 40 GB ही बाकी होगा, सो आई थिंक टाइम टू बाय अ न्यू 2 TB की हार्ड ड्राइव। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और स्टोरेज तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज 1 TB फुल देन मेरे लैपटॉप है, 512 GB तो वो भी फुल है, और मेरे नए गेमिंग लैपटॉप में होने वाला है 1 TB की SSD, बट स्टिल आई नीड मोर एंड मोर स्टोरेज, बिकॉज एब्रॉड वाले प्लान में जितना स्टोरेज ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कैप्चर एवरी सिंगल मेमोरी ऑफ दिस होल ट्रिप, आई मीन ऑफ माई होल फ्यूचर या फिर मेरा करियर। सो मैंने मेरे कल के व्लॉग में एक बात नहीं बताई थी कि मेरा कॉलेज का फीस पेमेंट में थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो था कि कॉलेज ने थोड़े बहुत नखरी किए, देन CIBC ने थोड़ा बहुत नखरा किया, बट एट लास्ट आज सुबह इन्फॉर्मेशन आ गया है कि फीस सक्सेसफुली पे हो चुका है एंड आई हैव इवन गॉट माई स्विफ्ट कॉपी फॉर दैट होल फीस पेमेंट। वेरी हैप्पी कि फाइनली हो चुका है। सो अभी मेरी सीक्रेट टेक्निकल सपोर्ट टीम के साथ बात ही चालू अबाउट दी वारंटी इशूज एंड ऑल, बिकॉज आई जस्ट नीड टू कन्फर्म दैट कि लाइक दस सीक्रेट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल वारंटी, बिकॉज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इंटरनेशनल, सो आई जस्ट नीड कन्फर्म दैट। उन लोगों ने मुझे हाँ ही बोला है, वी डू हैव इंटरनेशनल वारंटी, और मुझे निकलना था महुड़ी के लिए, बट आई डोंट थिंक कि मैं जा पाऊंगा, बिकॉज अभी बारिश अभी फुल फ्लेज में शुरू हो गई है, एज यू कैन सी हियर। द प्रॉब्लम इज दैट कि क्विट गई है सर्विस में, और वो आज शाम को मे बी आएगी, एंड करंटली इट्स वॉट या इट्स 2:30। अगर वो जल्दी आ गई तो आई गो टू मऊड़ी, अगर वो नहीं आई तो मैं कल ही जाऊँगा। यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कल कितनी बारिश पूरी होगी, ये 2-3 दिन फुल थंडरस्टॉर्म रहेंगे एंड इट्स ट्रू। तो मुझे बारिश देख के लग नहीं रहा कि लाइक आज बारिश रुकने वाली है, और आज मेरा मऊड़ी का प्लान भी 100% कैंसिल हो चुका है, बिकॉज इट्स 3:30 राइट नाउ और गाड़ी अब तक आई नहीं है फ्रॉम द सर्विस सेंटर, कल ही जाना पड़ेगा। बट या नाउ इट रियली फील्स के मानसून सीजन इज रियल हियर, बिकॉज अभी कैमरा मैंने समझेगा नहीं बिकॉज कैमरा ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, सो दैट्स वाई, बट या मानसून इज रियली हियर नाउ। सो हियर इज आवर कार परफेक्टली वॉश, और बारिश भी है, डबल वॉश हो गई, पर इन लोगों ने वॉश किया और एक बार नेचर ने वॉश किया, बट अभी भी पेट्रोल टैंक का प्रॉब्लम तो बाकी ही है। सो लेट्स सी कि कब टाइम मिलेगा मुझे, तब मैं इसे सॉल्व करूँगा, लेकिन तब तक तो इसे जुगाड़ ही करना पड़ेगा। सो पिक्ड अप द कार एंड बैक होम, अब चलते हैं ऊपर हर्षल के पास, भाई को जरा डराते हैं, और यार तो ऑलरेडी बाहर ही है, फ़ोन पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर इसने बोला कि फ़ोन को लंबा चलने वाला है, सो आई जस्ट गो डाउन स्टेयर्स, इसका फ़ोन ख़त्म होगा उसके बाद ऊपर आएगा, कुछ टाइम पास हो गुफ्तगु करेंगे, लेकिन फ़ोन को लगता है श्योरली लंबा ही चलने वाला है, बट कोई नहीं। क्वेश्चन है मेरा, ये 15 दिन का सफ़र कैसा रहा? अरे एकदम बढ़िया, बताएगा ऐसा मेमोरी में याद रहे ना, दो शब्द खुद के फ्यूचर को, एकदम बढ़िया। कैसे गुजारे तूने ये आखिरी तेरे मतलब 15 डेज? ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं बताना, एक्टिंग मत कर, तो सच्चाई बताता है हमेशा, रिशूट कभी नहीं करता। ऐसा लग रहा है 15 महीनों से इधर ही बैठ रहा हूँ मैं। और कुछ तेरे फ्यूचर के लिए? जैसे हमने आज सुबह सुबह हमारे कुछ पुराने व्लॉग्स देखे, देख देख के तू हंस हंस के पागल हो गया, वैसे ये जब तू देखेगा कनाडा पहुंचने के बाद तब कुछ बताना चाहिए, तू ऐसी हरकतें कर रहा था। कुछ नहीं, बस पर्दे लगवा देना, बहुत ही ज्यादा ऐसे कुछ। देख लो आखिरी बार इसके रूम पे एक छोटा सा ग्लिम्स देख लो, खराब हालत है तभी तेरे को बताने गए। इस बेचारे भाई ने बस 15 दिन ये दूध के ऊपर ही निकाला है। तो आप डेडिकेशन देख रहे हो, दैट्स इट, इतना कुछ था। लेकिन 5-10 किलो कम हो गया होगा मेरा, वो तो लग रहा है। इस पुराने व्लॉग देखो और आज के व्लॉग देखो, हाल देखो, बस ऐसे कंपटीशन करने का है। चलो खत्म कर दो। अरे कर दे। ठीक है सो गाइस, टाइम टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, टू हियर इफ यू एंजॉयड देन प्लीज लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वो बेल आइकन दबा लो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जो व्लॉग बस कुछ देख नहीं रहा ना, हाँ तो क्या फर्क, तो मैं आप लोगों से मिलूंगा परसों सुबह 9 बजे, टिल देन गुड बाय, सायोनारा, दासविदानिया, परफेक्ट। मैं मारूंगा तो आधा कट जाएगा बीच में से, सॉरी, चलो दासविदानिया। मैं कुछ आखिरी शब्द कहना चाहेगा, क्योंकि
कल है इसका शायद शिकर है अभी तेरा लास्ट दिन टेक्निकली लास्ट दिन सब कल ही लास्ट ही है कल आखिरी दिन भाई का सैटरडे फाइनली नहीं दिखूंगा अपने बाद में अपने घर की तरफ भाई पूरा क्या हुआ मैं इसको अपने जो लास्ट ब्लॉग एंड किया उसके बाद मैं कंटिन्यू में चिपका दूंगा ये वाला पार्ट अरे तू तो ऐसा नहीं करता था इतने सालों पहले लेकिन ये करता था। लेकिन ये एंडिंग है तो चिपका दे सोचा भाई फाइनल आईएल्स के लिए तैयार हो चुका है अपने घर जाने के लिए भी फुल क्यूरियोसिटी के साथ ऐसा लग रहा है कैसा महसूस हो रहा है भाई 15 दिन बाद मतलब काइंड ऑफ अपने घर पे जाना कुछ खास नहीं लग रहा है अच्छा हफ्ता पर जाता है संडे जाता तो हूँ अब तेरे स्ट्रगलिंग दिन खत्म होते हैं अरे भाई और तेरे गोल्डन डेज वापस से शुरू होते हैं तेरे बिल्लियों के साथ बस 13 दिन बाद कमाल करना ऐसा ना हो वापस आना पड़े 13 दिन बाद मेरे घर पे बिल्कुल नहीं आने का श्योर हाँ नहीं तो उन रखड़ेल जैसा लगूंगा मैं भी जो तीसरी चौथी बार आ रहे पॉइंट चलो कोई नहीं ऑल द बेस्ट भाई एनडब्ल्यू के लिए मिलते हैं कल उसके बाद हमरे भी ब्लॉग आएंगे सब्सक्राइब कर लेना सोचा इसके एंडिंग वाला जर्नी भी रिकॉर्ड कर ही लेते अपने ब्लॉग में बाय 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 ब्रो ब्रो बाय बाय ऑन कैमरा अरे टाटा दसवीं धनिया ऐसे कर दे ऐसे स्वाइप कर दे सब्सक्राइब कर दे ऐसे स्वाइप कर दे